तो बस धुल चुके हैं सारे कपड़े, बन जाने और नीचे। यहाँ पे हो रहा है कलर फाइनल। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। और बस अभी मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ रात के 7 बजे से, जी हाँ। और छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने ली हैं, दोपहर में मैंने शूट की थी जब मैं कपड़े वगैरह धोने के लिए गई थी, उसके बाद से मैंने शूट नहीं किया, अब कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अभी कलर डिसाइड किया जा रहा है कि घर में कौन सा कलर का पेंट कराना चाहिए, कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे कौन सा कराना है। और मतलब ऐसा है ना कि पुट्टी का काम जो है ना कंप्लीट हो चुका है, तो अब घर में कलर भी करा लेते हैं ताकि फ्री हो जाएंगे एकदम से ना। और सफ़ेद सफ़ेद हाँ अच्छा लगता है, पुट्टी भी कराई हुई, लेकिन वही है ना कि ज़िंदगी में थोड़े से कलर्स भी होने चाहिए, तो तभी थोड़ा सा घर लगता है कि हाँ भाई अभी घर में काम हुआ है। सो यहाँ पर जो है कलर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन सा कराना है, अच्छा भी लगना चाहिए, आँखों को चुभे भी ना, ऐसे कलर डिसाइड करने हैं हमें। सो यहाँ पर मैंने भाभी और मम्मी को भी बुला लिया कि आप थोड़ा सा मुझे बता दो, हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है ना। मुझे बेज कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन वही है कि थोड़ा सा ना सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं बेज अच्छा नहीं लगेगा या जो भी है। तो वही डिस्कशन चल रहा था हम लोग का कि मम्मी से मैं पूछ रही थी, मम्मी तुम बताओ, भाभी तुम बताओ, तो सभी लोगों से पूछताछ करके भाभी ने बोला मैंने तो देखा ही नहीं है, मैं जब छत डल रही थी तब ही देखा था, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। तो फिर जो है हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो वहीं जाकर आप कलर बताना हमें कि कौन सा यहाँ पर अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर अभी सारा सब कुछ करके बुक वगैरह ले करके और फिर चलते हैं अपने नए घर पे। तो फिर वहीं पे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा कलर करवाना इस सही। आज हम सब लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, मेला नहीं जा रहे हैं हम जा रहे हैं अपने नए घर पे, वो भी इतनी रात को हमारा प्लान बना है एक साथ जाने का। हारून जा रहा है कार चलाते हुए, हारून हम सबको लेके जा रहा है। हम जो चलने लगे, और हुरैन भी जा रही है, ये इनको लेके नहीं जा रहे थे हम पहले, हाँ इनको लास्ट टाइम पे उठा के लाए ऐसे ही। रघु भाई का घूंघट स्टार्ट हो गया, घूंघट की ओट में। तुमको क्या हो गया? ये देखो कैसे बैठी है आराम से, मुमानी को बिल्कुल कॉर्नर में घुसेड़ दिया, क्या हैं तुम? क्यों आई, तुमको तो ला ही नहीं रहे थे हम, उसको खोलने की कह रही है। नहीं बिट्टू ठंडी लगेगी, अपन ठंडी लगेगी, ठंडी अभी खोलेंगे। चलो चलो चलो, अपन तो चल रहे हैं, चले अपन चले चले। हमारे घर से हमारे नए घर का रास्ता सिर्फ हाँ हाँ 5 से 7 मिनट का रास्ता है। घर में हम एंटर हो चुके हैं, ये राजा की प्रजा रहती है। पहनना शूज, शूज कम सॉक्स, और बाकी में वो लोग ना सॉक्स कम शूज, प्रजापति प्रजा। तो होरू को ये पहना देते हैं कि ठंडक हो रही है बहुत ज्यादा। वी आर गोइंग टू सवितापुरा, राजा दक्ष नगर रोड। इतनी रात को हम आए हैं अर्जेंट अपने नए घर पे हारून को लेकर सेकंड टाइम। हारून जब आया था जब छत डल रही थी, ये अभी आज ही करा है। प्राइमर हुआ। और यहाँ साइड की सर्दी देखें आप, क्योंकि हरे भरे खेत हैं। ये सरप्राइज था।
तो अभी हम लोग ऊपर छत पर आ गए और छत पर भी हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं और बच्चे यहाँ पर आकर जो है बहुत अच्छे से खुश हो गए थे। सो यहाँ पर अभी हम लोग ऊपर छत पर घूम रहे हैं और भाभी को बस पूरा दिखा रहे हैं। भाभी ने भी तारीफ़ कर दी हमारे घर की कि हाँ अच्छा है। तो और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें हमने की हैं अपने घर में, वो आप लोगों को जब होम टूर दूंगी तभी सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। क्या मतलब सोचा था और कितना क्या कुछ हो पाया है वो भी सारी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। सो यहाँ पर जाके वही ऊपर छत पर चढ़ गए थे। सो यहाँ से आप लोगों को दिखा रहे हैं पूरा व्यू कि रात के समय कैसा लगता है, और काफ़ी अच्छा व्यू लगता है ना रात के समय। सारे घरों में लाइटें जल रही होती हैं और हुरैन की भी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, वो कैट के साथ में खेल रही है और मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो गाइस हम लोग भाभी को लेकर के आए रात में ही अर्जेंट में, जी हाँ। तो हाँ चलो अभी आ रही हूँ। ऊपर छत पे हूँ मैं अभी। हाँ चलो चलो, हाँ जल्दी ना। उसका लॉक लगा दिया था वाले कमरे का। यहीं पे रहना, ठीक है, रखवाली करना घर की, समझ में आ गई, ठीक। चलो बैठ जाओ अपनी जगह पे। लुको लुको लुको, मैं भी आ गया, मैं भी आ गया, मैं भी आ गया। और अभी हम आ गए हैं अपने घर पे। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों की दोनों की ही तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है इस टाइम पे। सो बस यहाँ पर अभी आए हैं तो हॉर्न लग गए टैबलेट में। अब इनको मैं लगाती हूँ नेबुलाइज़र और इनका ना जो अभी सर्द गर्म हो रहा है, सर्दी भी है बच्चों के लिए तभी, तो भी जो है ना दोपहर में तो जो है धूप अच्छे से निकल आती है लेकिन रात में सर्दी बहुत तेज़ हो जाती है। तो अभी इनको नेबुलाइजर लगाते हैं। सो यहाँ पर मैंने नेबुलाइजर मशीन निकाली है। अभी इसको वो करते हैं, भाप लगाते हैं बढ़िया से। ये इसका ये मंगा लिया है मैंने और यहाँ पे अभी दवाई पिलाई थी इसलिए इसने कपड़े ख़राब कर लिए। अभी चेंज कराने हैं, सो गर्म कपड़े पहनाने हैं। तो गैस मशीन लगाने के बाद बस अब हम लोग खा लेते हैं खाना, जो कि भाभी ने आज बहुत कुछ बनाया है खाने में। तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर चिकन बिरयानी बनाई, चिकन दम बिरयानी, ठीक है, ये है बिरयानी। और ज़रदा मैं आप लोगों को दिखाई चुकी हूँ, ये मैंने प्याज कट करके रखी हुई है और यहाँ पर चिकन का सालन बना है, साथ में दही वाली चटनी बनी है, रोटियां बनी हैं। मतलब ये सालन वगैरह तो जो है पापा मम्मी के लिए ही बनाया था, बाकी हम सब बिरयानी खाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा खाना। तो खाना खाने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज हमने क्या कुछ शॉपिंग की अपने नए घर के लिए। ये सारी चीज़ें खरीदने में इतना दिमाग लगाया क्योंकि यहाँ पर ना जो हम पसंद करते हैं वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो फिर जो है एक दुकान हमें बताई हमारे फर्नीचर वाले ने, तो वहाँ पर हम लोग गए और फिर हमने जो है पसंद किया। वैसे सारा सबको चाहिए था मुझे गोल्ड कलर में लेकिन उन्होंने बताया गोल्ड नहीं चलता है, गोल्ड की पॉलिश निकल जाती है, फिर तो मैं 2-3 साल में फिर से करानी पड़ेगी उसके ऊपर पॉलिश। तो इससे अच्छा है सदाबहार वाली चीज़ें लो और मजबूत वाली चीज़ें लो। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है भाई, आपकी बात मान लेते हैं। तो आज जो सामान खरीद के लाए ना हम हमारे गेट के लिए लेकर आए हैं,
क्योंकि अब घर में गेट लगेंगे ना उसके लिए। तो देखो यहाँ पे मैं जैकी भाई को भी दिखा रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये लेके आए हैं, क्या बोलते हैं इसको, हत्ती हैंडल, जिससे हम गेट को ओपन करते हैं। तो ये कुछ इस टाइप में मिला है हमें, और बहुत ही मतलब यूनिक सा लग रहा था मुझे। वैसे इसमें डिज़ाइन वाले भी आते हैं, है ना, वो मुझे नहीं चाहिए था, इसमें सिल्वर वाले भी थे। ये बात मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये एलुमिनियम टाइप का दिख रहा है लेकिन है नहीं, ये है तो स्टील का ही, इसकी पॉलिश एलुमिनियम जैसी की गई है, मैट फिनिश वाला। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। एंड सेकेंड हमने ये वाली कुंडी जो है पसंद की, डंडाला ये बताते जाएंगे, मुझे नाम इनके नहीं पता, मैं हम जो अपने घर में जो लैंग्वेज बोलते हैं वही मैं बता रही हूँ। तो इसको डंडाला बोलते हैं। तो वो है हत्ती ऐसी फिन एल्युमिनियम जैसा, हाँ हाँ। तो इसमें भी जो है ना इसके टाइप का डिजाइन है, ये देखो कलर सेम है, मैचिंग वाला। तो सारी चीजें ज्यादातर जो है चेहरे के ऊपर भी किया अगर मैं बोलती हूँ तो सारी चीज़ें ज़्यादातर हमने जो है मैचिंग में ही ली हैं, तो इसलिए ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये मैचिंग हो गया, ये इसको कुंडी, इसको हैंडल, और ये आए हैं इसके लगाने के, इसको क्या बोलते हैं, कब्जे, कब्जे आए हैं। तो ये तो सिल्वर में ही मिले, और ये बहुत हैवी हैं, सारी चीज़ें बहुत हैवी हैं। इसको अगर उठाओगे ना तो देखो इसमें कितना ज़्यादा वजन है, इस कुंडी में बहुत वजन है। तो सारी चीज़ें मतलब ऐसे चुन चुन के लिए है ना, कि मतलब एक बार देखो घर बनता है, एक बार देखो घर बनता है, तो सारी चीज़ें जो है अच्छी लगनी चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि 2-3 साल में वो चीज़ ख़राब हो जाए। तो ये देखो पूरी जो है जमा पूंजी घर को बनाने में लगा देते हैं, तो चीज़ें भी उसके हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर हमने ये लिया है स्टॉपर, स्टॉपर ही बोलते हैं इसको, है ना, हाँ डोर स्टॉपर। तो ये कुछ इस टाइप से, ये भी मैचिंग में ही है, ये देखो मैचिंग में ही है ये भी। तो ये भी बहुत हैवी वाला है, इसमें ना 60 रुपीस का भी था, और इसमें 160 रुपये का भी था, और ये 250 समथिंग शायद कुछ है, एग्जैक्ट मुझे रेट पता नहीं है, लेकिन मैं समथिंग कुछ बता रही हूँ, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गई, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं सबसे मेन चीज़, गेट में जो होनी चाहिए क्या होती है, कुंडी, कुंडी नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं इसको, वो कहते हैं चटकनी भी कह सकते हैं, अरे अपनी लैंग्वेज में तो कुंडी कहते हैं, इसको भी कुंडी कहते हैं, इसको भी कुंडी कहते हैं, आप लोग की लैंग्वेज में क्या कहते हैं आप लोग मुझे बताना, ठीक है। ये देखो ये कुछ स्टेप्स है, बहुत बड़ी वाली, मतलब ये 10 इंच की है पूरी, इसके साथ में ये है ऊपर लगाने का, जैसे लॉक होती है, हम नीचे लगवा दे ताकि बच्चों के लिए, हाँ हम ना सबसे ऊपर वाली लगाइए, बड़ी लगाइए, क्योंकि अब बीच वाली भी जो लगती है ना और गेटों में, तो हम हुरैन की वजह से नहीं लगवा रहे हैं, शायद बच्चा अगर कभी अंदर हो या अंदर से गेट लगा ले तो वो सेफ्टी के लिए सही नहीं है, बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ ऊपर वाली रखी है, बीच वाली हमने नहीं रखी है, ठीक है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से भी सोचना पड़ता है बहुत सी चीज़ें। और आप लोगों ने देखा ये कि एक भी हमने विंडो नहीं रखी है, है ना, तो इस चक्कर में जो है ना हमने सिर्फ एक ही कुंडी रखी है ऊपर वाली, ताकि बच्चों का हाथ ना पहुंच सके, एक ये ही है, अच्छा सेम ही चीज़ है ना। एक गेट में कितनी चीज़ लगेगी, हाँ एक गेट में कितनी सारी चीज़ें लगती हैं, पैर में लग जाएगी, एक ये लगेगा, हाँ सारी चीज़ें एक लगेंगी, देखो एक ये लगेगा मेन, ठीक है, फिर उसके बाद लगती है कुंडी, फिर उसके बाद ये वाली ऊपर लगेगी, उसके बाद ये स्टॉपर लगेगा, उसके बाद ये कब्जों पे टिकेगा, है ना, एक और है ये, और ये वो है पीछे जो लगाते हैं गेट के, ब्रैकेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पीवीसी ब्रैकेट, इसके बाद ये है छोटी वाली हत्ती, एक गेट में ये इतनी सारी चीज लगेगी, हाँ ये हत्ती जल्दी सिंपल वाली हत्ती पीछे लगेगी गेट, हाँ ये पीछे लगेगी, ये हमने ये वाली कुंडी से मैचिंग लिया, मतलब सारी चीजें वैसे मैचिंग ही है, एक भी चीज मतलब ऐसी नहीं जा रही है, सारी चीज मैचिंग है, देखो। तो सोचा तो गोल्डन का था, लेकिन गोल्डन यहाँ पे ज्यादा सक्सेस नहीं है, तो इसलिए हमने ये वाला ले लिया मेटल वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग देख ही रहे थे सारा सामान, काउंटिंग वगैरह कर रहे थे सारी चीजें, तो हमने सोचा चलो
वीडियो बना लेते हैं याद के लिए, हम आगे जब देखेंगे हमने क्या कुछ खरीदा था, कैसे कैसे लाए थे सारी चीज़ें, वो सब यादगार के लिए हम संजो के रख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और अगर और हाँ, जिसका भी घर बन रहा है तो उसको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, किस टाइप की कुंडी लगानी चाहिए और गेट में कितनी सारी चीज़ें लगती हैं, तो इससे बहुत कुछ आइडिया आप लोगों को भी मिल सकता है। मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबका घर बनाए, मुझसे अच्छा घर बनाए सबका, आमीन सब आमीन। जिनके भी घर नहीं है, जो रेंट से रह रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है मुझे पता है, लेकिन बस अल्लाह ताला सबके खुद का घर बनाए। तो ये सारा सामान आज हम लोग लेकर आए थे, और उसके बाद हम लोग गए थे टाइल्स लेने के लिए किचन में। किचन में हमारी जो है टाइल्स लगेंगे, बस स्लैब के ऊपर जो लगते हैं, तो उसके लिए भी टाइल्स लेने के लिए गए थे, तो बस वो भी लेकर आए। उतने में ही अभी छोटे छोटे से देना तो उतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है ना, तो यही सारा। और वहाँ से जब मैं लौट के आई ना, तो मुझे इतनी तेज जुकाम हुआ है ना कि अभी मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरे नाक के अंदर ऐसे गर्म गर्म हवा जा रही है। मतलब जुकाम बहुत तेज़ वाला हो गया है मुझे, अब सर भी बहुत दुख रहा है और साथ में नाक भी बह रही है। चलो ये सारा सामान रखते हैं क्योंकि सुबह में इसकी जरूरत पड़ेगी। हुरैन कौन सा अच्छा लग रहा है, हुरैन कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये वाला जो है। हाँ, वाह। तो ये थी हमारे नए घर की शॉपिंग, चलिए अब इस ब्लॉग का एंड यहीं कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।